हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एंड मोटिवेशनल क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर का ही एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कोरोजन, जो आपने पहली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, वहीं से मैंने एक टॉपिक लिया है कोरोजन, जो आप अच्छे से जानते भी हैं। थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करेंगे। क्या कोरोजन? कोरोजन का मतलब होता है एक तरीके से जंग लगना। यहाँ पर हम जब जंग लगने की बात करते हैं, देन वी जनरली टॉक अबाउट आयरन, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि जंग जो लगती है वो आयरन पर ही नहीं, बाकी अदर सब्सटेंसेस पर भी जंग लग सकती है, मेक श्योर। ठीक है, अब किस तरीके से हम डेफिनेशन बोलेंगे? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है आपका, जिसमें मेटल्स की जो क्वांटिटी होती है, मेटल्स की क्वांटिटी जो होती है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। डिग्रेड का मतलब होता है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है, जिसमें मेटल्स की क्वांटिटी जो होती है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्री सब्सटेंसेस, एयर, दैट कैन बी एयर, दैट कैन बी मॉइस्चर और केमिकल। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट आर द कंडीशंस, कि दो कंडीशन बताइए जिनसे कोरोजन होता ही होता है, तो ध्यान रखिएगा एयर और मॉइस्चर दो ऐसी कंडीशन है कि जिनका होना कंपल्शन है, कंपल्सरी है इनका होना। अगर एयर होगी मॉइस्चर नहीं होगा, मतलब एयर हो मॉइस्चर नहीं हो, तो जंग नहीं लगेगी, नो कोरोजन। ठीक है, और अगर एयर नहीं हो और मॉइस्चर हो तो भी नो कोरोजन। ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स एयर और मॉइस्चर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर और मॉइस्चर दोनों होंगे तभी जंग लगेगी, अदरवाइज जंग नहीं लगेगी। ठीक है, दिस इज द अदर वन। केमिकल, केमिकल में आप ले सकते हैं लाइक तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हैं तेजाब एक ऐसा सब्सटेंस है जिस भी चीज़ पर डालेंगे उसको जला देता है, तो ये जंग लगने के भी हेल्पफुल होता है, जंग लगाने में भी हेल्पफुल होता है, कोरोजन करता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल से लेता हूँ मैं आपको छोटा सा। देखो आयरन Fe आप जानते ही हैं, आयरन पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, Fe प्लस H2O प्लस O2। ध्यान रखना, लोहे पर जो जंग लगती है उसमें आयरन इन्वॉल्व होता है, मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है, प्लस ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। कंबाइंड होने के बाद बनता है Fe2O3.XH2O। बैलेंस कर लेते हैं, X का मतलब जो रस्ट होता है हमारा, ये रस्ट का फॉर्मूला है जंग का। ठीक है, जो हमारा रस्ट होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है रस्ट में, बट ये श्योरिटी नहीं होती कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम उसको X से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ई दैट कैन बी टू, दैट कैन बी थ्री, दैट कैन बी फोर, एनीथिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। ठीक है मेरी बात, ओके। कोरोजन तो एक जनरल प्रोसेस है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ तो भी मैं कोरोजन बोलता हूँ, मैं जिंक की बात करता हूँ तो भी मैं कोरोजन बोलता हूँ, बट अगर मैं आयरन की बात करता हूँ ना, तो मैं आयरन के लिए वर्ड यूज करता हूँ। एक तरीके से मैं कहूँगा कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ध्यान रखिएगा, जो हम रस्टिंग कहते हैं वर्ड, वो रस्टिंग वर्ड हमारा इस कोरोजन के लिए आता है, यानी कि इस कोरोजन ऑफ आयरन के लिए आता है, बाकी अदर्स के लिए आप सबके लिए नॉर्मली कोरोजन ही यूज करते हैं। ठीक है, रस्टिंग वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर आयरन ओनली, बट फॉर अदर एलिमेंट्स वी यूज द वर्ड कोरोजन। ठीक है,